कोरोना की पांचवी लहर, कराची में 24 घंटे के दौरान 2622 केसेस रिपोर्ट, शरह 39.39% तक पहुंच गई। 95% ओमिक्रॉन से मुतासिर, 229 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 18 वेंटिलेटर पर। शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर डोज लगवाएं, माहिर ने सेहत की अपील। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा, 24 घंटे के दौरान 4027 नए मरीजों का इजाफा, मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.8 रिकॉर्ड। महंगाई का नया सुनामी, पेट्रोल 3.01 रुपए फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए इजाफा, लाइट डीजल के निर्ख 3.33 रुपए बढ़ गए, नई कीमतों का इतलाक हो गया। मजीद बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, चोर बाजारी लगी हुई है। आप अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, गरीब मरे कुछ भी होए, कोई माँ बाप नहीं है इस मुल्क का, जैसे लावारिसों का मुल्क है। आप अपना घर भर रहे हैं बस, गरीबों को तो कोई पूछ नहीं रहा है। रमजानों में तो 170-175 रुपये हंस खेल के पहुँचा देगा, 25 रुपये कोई मसला थोड़ी है। आप आवाम के लिए तो कुछ करो, पहले सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, करोड़ों की नौकरियाँ दूंगा किसको दे दी, मजीद बेरोजगारी फैल गई। वो चोटे कहती अच्छे थे, कम से कम सुकून से आदमी ज़िंदगी तो गुजार रहा था, अब तो वो भी मुश्किल हो गया। मेरे ख्याल से पेट्रोल पे जो कीमतें भरी हैं वो कम भरी हैं, ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी अशिया जो है ना वो इससे ज़्यादा महंगी हुई हुई है। और वज़ीर आज़म ने तो आते ही कहा था ना कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आवाम की चीखें निकलेंगी। अब देखते हैं पहले चीखें निकलती हैं कि महंगाई और ज़्यादा होती है। तो इस वजह से महंगा हो रहा, तो पहले पाकिस्तान ने सारा चोरी किया ना, अभी हम लोग के लिए इमरान खान बहुत अच्छा है। अगर 10 रुपये और बढ़ा जाएगा हम लोग को कोई मसला नहीं है। तो पैसे पहले लिया है ना वो लोग का, ये होना चाहिए तो भाई ये क्यों अभी महंगा हो रहा है। तो इस वजह से महंगा हो रहा है, मुल्क लूट हुआ है ना, अभी तो लाजमी महंगा होने चाहिए। हर चीज़ महंगा है, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं है, आटा घी सब कुछ महंगा है, ये गरीब आवाम क्या करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े, वज़ीर आज़म बनने का शौक था अब कोई वादा ही पूरा कर दें, शहरियों ने कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम का मौशी कत्ल, हुकूमत ने मुल्क गिरवी रख दिया, पैसे बाहर से हो रहे हैं, बस बहुत हो गया। आवाम 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इमरान खान से हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो। अब खामोश तमाशाई का किरदार खत्म करना होगा, मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म अदालत पेश होने की बजाय वीडियो लिंक पर खिताब करते हैं, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। अपोजिशन बहरानों में मुब्तला, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है, वजीर आजम इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन सरापा एहतजाज, कराची में मुजाहरा, गवर्नर हाउस के बाहर 2 घंटे अलामती धरना, तहरीक इंसाफ MQM और GDA के कारकुन शरीक, PP-Anti स्टेट पार्टी सिंध हुकूमत को बताएंगे अपोजिशन क्या होती है। अली सैदी के ललकार, 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। सात दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़खाना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे, हम सक्कर भी बंद करेंगे, बदीन भी, पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट बंद कर देंगे। रावी रिवर फ्रंट मंसूबा, वजीर आजम के ख्वाब की तकमील, शहरी फैलाव को रोकने, पानी की सतह को बुलंद करने में मदद मिलेगी, प्रोजेक्ट दरियाए रावी को रिचार्ज भी करेगा, पहला जोन आज शुरू किया जा रहा है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर।
सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत और जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मामला, वजीर अला पंजाब का इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, उस्मान मुस्तार की यकीन दहानी। मुतवफी हामिद की असल पर्ची 5:52 पर बनी, दवाहकीन से जान बूझ कर झगड़ा किया गया, एम एस सर्विसेज अस्पताल का एतराफ, महकमा सेहत को खत में 4 यंग डॉक्टर्स फारिग करने की सिफारिश, चारों ने मेरे ऑफिस पर धावा बोला, गालियां दी, इन्हें फारिग करने से अस्पताल में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। खत का मतन। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर का खैर सगाली मिशन अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंच गया, पुरतपाक इस्तकबाल, मिशन कमांडर की अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें, कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम के तहत दारुल इस्लाम में मेडिकल कैंप का भी इनेकार। खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियों के यूनिवर्सल नंबर प्लेट का इजरा ख्वाब बन गया, मनसूबा फाइलों में दफन, 2 साल बाद भी अमली इकदाम ना उठाए जा सके, शहरियों का सूबाई हुकूमत से मंसूबे पर अमल का मुतालबा। यूनिवर्सल के साथ ये हो जाएगा कि एक ही नंबर KPK में जारी होगा, तो आसानी के साथ पता चलेगा और आवाम के लिए सहूलत भी हो जाएगी, मर्शात और इस तरह क्राइम पे ज़्यादातर काबू पाया जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सल नंबर प्लेट, ये जल्द अज जल्द लॉन्च कर दें, ठीक है, इससे आवाम को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। कराची में कार साज के करीब 2 तेज रफ्तार कारें टकरा गईं, एक गाड़ी बेकाबू होकर खंभे से जा लगी, हादसे में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए, पुलिस ने लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। अमेरिकी रियासत टेक्सास की यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए 4 अफराद बाजियाब, स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेशन में हमलावर मारा गया, इबादत के दौरान मुसल्ला शख्स इमारत में दाखिल हुआ, वाकये के बाद लाइव ट्रांसमिशन रोक दी गई थी, यहूदी इबादतगाहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमरीका में कोरोना के वार कम ना हो सके, 24 घंटे के दौरान 4 लाख से ज्यादा अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर, फ्रांस में 3,25,000 केसेस रिपोर्ट, भारत 2,69,000, इटली 1,80,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1,00,000 से ज्यादा नए मरीजों का इजाफा। बहर काहिर में आतिशबाजी फटने से सुनामी, लातिनी अमेरिका के मुल्क चिली के सहरी इलाकों से शहरियों का इमरजेंसी इनखला, जजीरा टोंगा में पानी घरों में दाखिल, जापान से अमेरिका तक शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन खेल सकेंगे या नहीं, फैसला आज शाम या कल सुबह तक सुनाया जाएगा। वीजा मनसूखी से मुतालिक सर्बियन टेनिस स्टार की अपील पर ऑस्ट्रेलवी चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। सिडनी टेनिस टूर्नामेंट रूस के असलान क्राटसेफ ने जीत लिया, फाइनल मैच में रूसी खिलाड़ी ने बर्तानिया के एंडी मरी को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप मैचेस, भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी, 232 रन भारतीय हदफ के ताकुब में प्रोटीज, 187 पर ऑल आउट, आयरलैंड और जिम्बाब्वे ने भी अपने मैचेस जीत लिए। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी, ऑस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच 2-2 गोल से बराबर, यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस के 2 शानदार गोल। अमरीका में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी, नगेट्स ने लॉस एंजलिस को 96 के मुकाबले में 133 पॉइंट से शिकस्त दे दी। जर्मन फुटबॉल लीग में एक और एकतरफा मुकाबला, बायर्न म्यूनिख ने FC कोलन को 4-0 से शिकस्त दे दी,
फातिह टीम के रॉबर्ट्स दीवान की शानदार हैट्रिक। थर पार्कर के सहरा में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का तीसरा रोज, जीप रेस के प्रोफेशनल क्लास राउंड का इफ्तिताह। 106 किलोमीटर के ट्रैक पर 36 गाड़ियां दौड़ेंगी। फेस्टिवल में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक।